तो चलो सभी गाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बीबी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बस तो यहाँ है, कितने बज रहे हैं? बर्थडे मेरा बर्थडे है और 7 बज रहे हैं, शाम हो चुकी है। पूरे दिन क्या किया? तो पूरे दिन हमने ब्यूटी स्लीप ली है। तभी मैं कैसी लग रही हूँ जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे। इतना भी ज्यादा नहीं सोए हैं। डेकोरेशन किया है मिलके मम्मी ने, तीनों बच्चों ने और मैंने भी, मेरा भी योगदान है इसमें। मैं दिखाती हूँ डेकोरेशन और खाना बनाया है मम्मी ने, बहुत टेस्टी खाना बनाया। मैं सारा टेस्ट कर चुकी हूँ, आप सभी भी टेस्ट करना। और सभी की रेसिपी हमारे चैनल पे है। खाना क्या क्या बनाया अभी बता दूँ या दिखाऊँ? दिखाऊंगी तब बताऊंगी क्या क्या बनाए। और प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और मेरा ये बर्थडे व्लॉग बहुत ज़्यादा इसको प्यार दें। और हाँ, लाइक भी करना और जितना हो सके उतना शेयर करना। अच्छा ना लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्यों नहीं अच्छा लगा और क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो मैं पहले डेकोरेशन दिखाती हूँ और थोड़ी ही देर में बड़े मामा आएंगे, उसके बाद हम केक कटिंग करेंगे। सारे व्लॉग में सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो डेकोरेशन देखिए आप। हेलो, तो ये सारा किसने किया है? प्यारे बच्चों ने किया है। देखने बच्चों ने किया है और हाँ, बर्थडे गर्ल ने खुद भी किया है और मम्मी ने। सबसे ज्यादा इसमें मम्मी का था, मुझे डेकोरेट करना है। मुन्नू का बर्थडे है, ये तो मम्मी ने पूरा लगाया है। ये लाइन पूरी मम्मी ने लगाई। नॉर्मली हम इतने सारे बलून्स लगाते नहीं है। मेरे बर्थडे पे पिछली बार नहीं लगाया था, उससे पिछली बार लगाया था, क्योंकि मैं बड़ी हो गई हूँ अब, छोटी नहीं रही। तो मम्मी का था कि डेकोरेट करेंगे, रेड और वाइट से ही करेंगे। क्यों? क्योंकि रेड मेरा फेवरेट कलर है और वाइट मम्मी को बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है, चलो तो इसके बाद अब मैं दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या खाना बनाया। यस, बिल्कुल दिखाइए क्या क्या बनाया है आपने। सबसे पहले है ये कढ़ाई पनीर। आपको सबकी इन सारी रेसिपीज हमारे चैनल पे मिल जाएगा। मैं पिन कमेंट कर दूंगी रेसिपीज की लिंक डाल के। और ये कटहल है, ये कटहल की सब्जी बनाई है, सूखी कटहल, बहुत टेस्टी बनाती है मम्मी। अभी मम्मी आटा गूंद रही है पूड़ी के लिए। हाँ। और ये है दाल मखनी, वाओ बहुत टेस्टी। तो मम्मी आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तभी तो इतना सब कुछ बना है। वैसे ये क्या पूछने वाली बात थी कि आपको कैसा लग रहा है? आप ये बताइए सभी की मम्मी कैसी लग रही है। मम्मी बहुत ही सुंदर लग रही है। अच्छा, मम्मी तो, मम्मी की बिटिया कैसी लग रही है, दोनों का बताना। और यहाँ पे पापा जी रेडी होते हुए, हेलो करिए। और ये पापा जी का लुक, दाढ़ी में इन्होंने न्यू लुक लिया है इस लॉकडाउन में, हैं? बहुत सही लग रहे हो, मस्त। यहाँ भाई बहन खाते हुए डांस करते करते थक गए हो? बहुत टेस्टी है। कैसा है? बोलेगा नहीं एक्सप्रेशन। दाल मखनी बहुत अच्छी है और जो दो सब्जी है अमेजिंग, सबने अलग अलग टेस्ट है, बहुत टेस्टी है। थैंक यू। अब मैं दिखाती हूँ बच्चों को क्या। Don't be that, 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 don't be
थोड़ा ब्लर आ रहा है, थक गए। इससे याद आया मैंने तो तेरे पैर, हाँ पैर छू, बहुत जल्दी याद आ गया, बहुत जल्दी। किसी के पैर नहीं छुए तो मैंने, सारे छोटे मेरे छुओ। हाँ चलो वो मुझसे बड़ी दिखती है। आइए यार, ये दो छोटे नहीं है क्या, बेशरम। चल पैर छुओ, पैर छुओ, पैर छुओ। जो नमन लगना बताओ, दीदी किधर आ जाओ, थोड़ा सा दीदी के साथ खिंचवाना बस नानी छोटा आदमी ने तो ता दो नहीं ना जाए बच्चा बहुत मत आगे ले पांच बस हां हो जाए किनका देखो सबको काट दिया सारे बच्चे बाबू सारे बच्चे बाबू मैंने एक फोटो खींचा आपको माँ YouTube चैनल पे देखूँ ना, बाबा मुझे खिला दो फिर आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब किसी को मत खिलाओ, जूठा है तो मुंह किया मैंने, बुढ़ा नहीं पता ले लेते दीदी, यहाँ पापा और बेटी कौन बजाओ, बोल बजाए, यश बजाए, थोड़ा जाए केशव भी बचा है, हाथ धो जो भी सब हाथ धो लेना, थैंक यू। यहाँ देख रहे हैं आप, ये पापा ये और ये यहीं पे करने लगते हैं। ये है साक्षी की मामी, आप जगत मामी हो चुकी है, आप तो जानते ही हैं। हाँ और इधर पापा कहाँ चले गए खाते खाते, कोई नहीं मैं आपको ये दिखाती हूँ, मैंने खाना लगाया है और डांस भी चल रहा है, केक कटिंग हो गई है और खाना अब, हाँ जो जहाँ है वही बनाए। बहुत अच्छा, कैसा बनाए खाना, क्या करेंगे।
वजह से मैंने बनाया। दोनों मैडम जी खाना कैसा बना है? यो यो। थ्री टू वन। थैंक यू। कमलाई, ये सरप्राइज है, मम्मी ने बताया नहीं था मुझे। कोई मैं तो मांगती रहती हूँ सारी चीजें, पता नहीं क्या लाएंगे। पसंद आया था फिर इसने छोड़ दिया जब हम आने के संडे लेने गए थे तब। ओके, और किससे लेके आए? याद करो। आन्या का दिलवाया। नाना नानी के भाव जाती। चल नानी को थैंक यू, हैप्पी बर्थडे नाना नानी के तरफ से। नाम लिखा चाहिए कितना है, क्योंकि किसी ने कमेंट किया था कि ऐसे आप लिफाफे में कितना पैसे वो मत दिखाया करिए। तो ठीक है, कोई नहीं, मैं खोलूंगी। थैंक यू, आशीर्वाद लो। नाना बाबा बहुत सुंदर बोर्ड भेटो। हाँ, वो माना सुंदर सुंदर प्यार गुलाब करा वाला भेटे हमारा भेजिए। बाबा नाना बाबा कर आनंद मेरा है बोलने की शांति और आनंद। लेकिन मम्मी ने चप्पल कब लाई? मम्मी ये सैंडल आन्या के लिए लेने गए थे हम, तो मुझे ना ये अच्छा लगा था, तो मैंने कहा अब मैं क्या लूँ, मैं कभी इतना वो पहनती नहीं, थोड़ा हील वाला लूंगी, तो मैंने छोड़ दिया। और ये चल रहा है, ट्रेंड में है, बहुत अच्छा है। सही है। हाँ, और साइज भी ठीक है। ठीक है, अच्छा। हाँ, थैंक यू। और मामा जी ने भी मुझे गिफ्ट दिया है, पर वो ऑनलाइन ऑर्डर किया है मैंने रस्ते में। मुझे एक वॉच चाहिए थी, ब्लैक स्ट्रैप की और गोल्डन डायल वाली, तो वो मैं आपको किसी और ब्लॉग में बताऊंगी कि मामा जी ने मुझे क्या दिया। वो ऑर्डर किया है, कल आएगा। आज तो मजे आ गए मुन्नु के। और मुझे गिफ्ट बहुत पसंद है, मैं तो ऐसी हूँ मांग लेती हूँ, मुझे ना ये दिलवा देना वो दिलवा देना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
बर्थडे समाप्त एक ही दिन का होता है ये। फिर वो कौन सा गाना है, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। हाँ। मतलब एक दिन के मजे फिर 365 डेज नॉर्मल डेज है ना। तो ब्लॉग की एंडिंग कर दो मम्मी। नॉर्मल क्या होता है कि आपका मन अच्छा होना चाहिए, रोज ही बर्थडे मना लो, डेक चलाओ और डांस करो और अच्छा अच्छा खाना तो बनाती हूँ मैं। बिल्कुल, कल फिर से डांस कर लेना है ना। चलिए बाय बाय, अच्छा लगा हो तो इस ब्लॉग को लाइक करना और शेयर करना। बिल्कुल, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए प्लीज। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।